विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने मोदी के विदेश दौरों की आज संसद को जानकारी दी। सुषमा ने कहा कि मोदी राज में दुनिया भर में भारत का रसूख बढ़ा है। हालांकि जब सुषमा अपनी सरकार की पीठ ठोक रही थी तब विपक्षी बेंच खाली थी, विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया था। पिछले कुछ महीनों के दौरान प्रधानमंत्री जी ने विश्व के सभी महाद्वीपों के 45 अंतर्राष्ट्रीय नेताओं से मुलाकात की। प्रधानमंत्री जी को ऑस्ट्रेलिया की संसद के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करने का भी गौरव प्राप्त किया और वो इस प्रकार का गौरव प्राप्त करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। साथ ही वे फिजी द्वीप में नए संविधान के अंतर्गत लोकतंत्र की बहाली के बाद चुनी गई संसद को संबोधित करने वाले भी पहले अंतर्राष्ट्रीय नेता हैं। मैं सदन को बताना चाहती हूँ, हम जापान के साथ अपने संबंधों को विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के स्तर तक ले गए हैं। चीन के साथ बकाया मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करते हुए हमने अपने संबंधों को और प्रगाढ़ किया है। संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ अपनी रणनीतिक साझेदारी में गति को बहाल किया है। ऑस्ट्रेलिया के साथ अपने संबंधों को एक नई दिशा दी है और हिचकिचाहट भरी लुक ईस्ट नीति को एक्ट ईस्ट नीति में तब्दील किया है। हमारी सरकार अगले दौर के सुधारों के जरिए आधारभूत ढांचे और निर्माण क्षेत्र के को विकसित करने की तैयारी में है। इस समय हमें जापान से अगले 5 वर्षों के दौरान सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में 3.5 खरब येन यानी 35 अरब अमरीकी डॉलर की वित्तीय सहायता की वचनबद्धता मिली है। चीन के साथ हमने 2 औद्योगिक कॉरिडोर स्थापित करने और 20 अरब अमेरिकी डॉलर के निवेश के समझौते किए हैं। अगले 5 वर्षों के दौरान अमेरिकी कंपनियों द्वारा 42 अरब अमेरिकी डॉलर के अनुमानित निवेश की आशा है। अध्यक्ष जी, ऑस्ट्रेलिया के साथ हमने नागरिक परमाणु सहयोग समझौते और ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए अन्य समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा की बढ़ती मांग की पूर्ति हेतु नवीकरणीय ऊर्जा के इस्तेमाल के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ एक महत्वपूर्ण साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अध्यक्ष जी, नेपाल के साथ हमने साझेदारी के एक नए युग में प्रवेश किया जिसका हमें सदियों से इंतजार था। नेपाल के साथ महाकाली संधि के 2 दशकों के पश्चात 5,600 मेगावाट वाली बहुउद्देशीय पंचेश्वर परियोजना हेतु हमने पंचेश्वर विकास प्राधिकरण का गठन किया। इसके अलावा हमने नेपाल के साथ एक नया ऊर्जा व्यापार समझौता किया है। 2 भारतीय कंपनियों को 900 मेगावाट जल विद्युत उत्पन्न करने का परियोजना लाइसेंस मिला है। दोनों देशों के लोगों के लिए यात्रा और पर्यटन को सुगम बनाने के लिए मोटर वाहन समझौता किया है जो काफी समय से लंबित था। संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ बातचीत से विश्व व्यापार संगठन में खाद्य सुरक्षा के हमारे हितों की रक्षा और दोहा विकास चक्र की बातचीत को आगे बढ़ाने में मदद मिली। इस पहल से विश्व व्यापार व्यवस्था को मजबूत करने में मदद मिली जो भारत के हित में है और साथ ही हमने गरीबों के यहाँ पर रुक रहे हैं, छोटे से ब्रेक के लिए लौटते हैं।